Hello guys, welcome or welcome back to my channel. I'm Pallavi. I hope you all are doing well. So आज मैं आपको इस लुक में दिख रही हूँ क्योंकि मैं आपके साथ आईब्रो ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ. सो आज मैंने पहन रखी है साड़ी. सो होता क्या है कि मैं जिस दिन साड़ी पहनी भी रहती हूँ ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता उस दिन कुछ भी करने का. मेरे को ऐसा फील होता है ना कि आज वीकेंड है. सो वीकेंड में कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही आराम से साड़ी पहन के बैठे रहो. सो इसलिए थोड़ा सा मूड नहीं मेरा था सूट करने का, बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो शूट कर लेती हूँ. सो मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो शेयर किया हुआ था आईब्रो ट्यूटोरियल का, बट म्यूजिक की वजह से उस पर कॉपीराइट आ गया था. सो कॉपीराइट आने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है, आप म्यूजिक, आपको पूरा जो वॉइस है आपको उसी को म्यूट करना होता है. सो अगर वो थोड़ा सा म्यूजिक पे होता तो मैं थोड़ा सा वॉइस को म्यूट कर देती, बट वो पूरे म्यूजिक पे था तो मेरे को पूरा जो वॉइस था एंड म्यूजिक था वो पूरा मेरे को म्यूट करना पड़ता, जिसका कोई मतलब नहीं था वीडियो होने का और ना होने का. तो इसलिए मैंने क्या वीडियो डिलीट कर दिया. एंड तो मैंने सोचा कि मैं अगेन वीडियो शूट करती हूँ और अगेन पोस्ट करती हूँ. बिगनर्स के लिए ये एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आईब्रो ट्यूटोरियल. सो इसलिए मैं अगेन आ चुकी हूँ आप लोग के लिए आईब्रो ट्यूटोरियल का वीडियो लेके. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर करें. अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. सो या दैट्स ऑल. तो चलिए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, मेरे पास है ये माल्याओ का आईब्रो पैलेट, जिसे आप आईब्रो केक कह सकते हो क्योंकि इस पे लिखा हुआ है आईब्रो केक, बट मैं इसे आईब्रो पैलेट ही कहती हूँ. सो आपके पास, अगर आप बिगनर हो तो आपके पास ये पैलेट ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल पैलेट है. फर्स्ट थिंग इसके बारे में जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल पैलेट है. अगर आप बिगनर हो तो आप इसे बहुत ईजिली अफोर्ड कर सकते हो. सो आई लव दिस पैलेट सो मच. सो एंड नेक्स्ट थिंग जो इसके बारे में बहुत अच्छी है, ये आपको दिखता कुछ ऐसा है, बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग है, बहुत ही अच्छा दिखता है छोटू सा. एंड जो नेक्स्ट थिंग इसके बारे में अच्छी है कि इसके साथ आपको एक एप्लीकेटर भी मिलता है. सो अगर आप बिगनर हो तो आपको, अगर आप ऐसा कुछ पैलेट लेते हो तो आपको फिर अलग से ये एंगुलर ब्रश लेना पड़ेगा अपने आईब्रो को फिल करने के लिए, एंड देन आपको स्पूली भी लेनी पड़ेगी. बट अगर आप ये पैलेट लेते हो तो आपको अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें मिल जाता है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है. एंड नेक्स्ट थिंग जो है कि अगर आपके पास ऐसा कोई पैलेट है, ये भी पैलेट बहुत ही अफोर्डेबल है, ये आपको डिस्काउंट पे अंदर 200 ईजिली मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे एंड कफन लैसेस पे, बहुत ईजिली मिल जाएगा. सो ये अगेन अफोर्डेबल है. तो इसमें जो आपको ये डार्क ब्राउन कलर मिल रहे हैं उससे आप ईजिली अपना आईब्रो फिल कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको अपना आईब्रो नेचुरल दिखाना होता है तो आपको कभी भी ब्लैक शेड यूज़ नहीं करना होता है अपने आईब्रो पे. एंड अगर आपके पास आईब्रो जेल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो आपको लॉन्ग पीरियड के लिए चाहिए, तो आपको हमेशा आईब्रो जेल ही यूज़ करना चाहिए अपने आईब्रो के लिए. एंड नेक्स्ट थिंग जो है, आप काजल भी यूज़ कर सकते हो, इस तरह का काजल आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी तरह का काजल, नॉर्मली वो काजल होना चाहिए. तो आपको क्या, अपना जो आपका जो एंगुलर ब्रश है आपको हल्का हल्का इससे प्रोडक्ट को लेना है एंड अप्लाई करना है. सो ये काजल जो है ब्लैक होता है, तो आपको बहुत ही कम प्रोडक्ट लेने होते हैं अपने ब्रश पे एंड अप्लाई करना होता है. सो या ये थे प्रोडक्ट जो आपको यूज़ कर सकते हो आप. तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये पैलेट क्योंकि इसमें से जो ये ग्रे शेड है, ये मेरे आईब्रो के साथ बहुत अच्छे से जाता है, बहुत अच्छे से मैच हो जाता है. एंड ये बिल्कुल भी ड्रामेटिक सा नहीं लगता, बहुत ही नेचुरल सा लगता है क्योंकि ये ब्लैक नहीं है, ये ग्रे है. सो मुझे ये शेड बहुत पसंद है क्योंकि मेरे आईब्रो के साथ ये बहुत अच्छे से जाता है. देख सकते हो फिल करने से पहले मेरी आईब्रो कैसी दिख रही है, बहुत अच्छे से देख रहे हो. सो चलिए आईब्रो को फिल करते हैं. पहले मैं स्पूली से अपने आईब्रो को
घूम कर लूंगी अच्छे से। हाँ देन मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ अपने ब्रश पे। आपको यहाँ मिडिल पार्ट से स्टार्ट करना है यहाँ से, एंड आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। आपकी जो आईब्रो की शेप है, पहले आपको उस शेप की एक लाइन ड्रॉ करनी है। आप देख रहे हो, सेम आपको अपर साइड करना है, अपने आईब्रो की शेप देनी है। देन आपको अब अपने आईब्रो के मिडिल पार्ट को फिल करना है, जस्ट लाइक दैट। बस आपको ऐसे इजीली फिल कर लेना है। कि अब हम आते हैं स्टार्टिंग के पार्ट को, जो ये हमारा स्टार्टिंग का जो पॉइंट है। सो हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अपने ब्रश पे नहीं लेना है, जो लेफ्ट है इस पे उसी को हमें यूज करना है। एंड बहुत ही लाइट हैंड से, आप देख रहे हो, देन हमें वर्टिकली फिल करना है, या लाइक दैट। सो या गाइस दैट्स ऑल। सो अब मैं सेकंड आईब्रो को भी फिल कर लेती हूँ। सो या देन स्पूली से हम सारे प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ताकि वो इक्वली स्प्रेड हो जाए। देन हमें लेना है कंसीलर, एंड मैं यहाँ ले रही हूँ सिर्फ स्टूडी का कंसीलर। ऐसे मैं अपने आईब्रो को अच्छे से शार्प कर लूंगी, ताकि वो और ज्यादा शार्प दिखे एंड इवन दिखे। देन एक ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। मैंने एक स्पॉन्ज लिया है ताकि अच्छे से आउटलाइन हो जाए। सो ये मेरा फाइनल ट्यूटोरियल, आप देख सकते हो मेरे आईब्रोज बहुत ही ज्यादा अच्छे एंड साफ दिख रहे हैं। जस्ट लुक एट देम, आप देख सकते हो, एंड ये बहुत ही नेचुरल भी दिख रहे हैं। ऐसा कुछ ये बहुत ज्यादा हैवी एंड शार्प नहीं दिख रहा। तो या गाइज, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड नीचे कमेंट डाउन करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे पर हिट कर दें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। या गाइज दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।